निम्नलिखित में से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये आपने ध्यान देना है। ले गए कृष्ण जी, पानी की बोतल। गुड इवनिंग। अच्छा, थोड़ा सा आराम से कराएं। हाँ, आराम से ही करा रहे हैं भाई, ये तो डाटा है, थोड़ा बहुत ऐसे ही डाल दिया जाता है 0.75 की स्पीड में। हाँ, ट्रेन छूट गई, ट्रेन रोकते हैं भाई, पहले ट्रेन रोकते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक के अंदर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी बोर्ड की स्थापना, कॉफी बोर्ड जो है हिंदुस्तान का, वो कहाँ पे है? कॉफी बोर्ड आपका बेंगलोर के अंदर कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर कॉफी बोर्ड है आपका, ठीक है। प्रमुख किस्में कौन सी हैं भाई? प्रमुख किस्में पूछेगा, प्रमुख किस्में कौन सी हैं, ठीक है? प्रमुख किस्में अरेबिका, अरेबिका रोस्टिका, अरेबिका रोस्टुका, ये सबसे प्रमुख किस्में हैं भाई। किसकी? कॉफी की सबसे प्रमुख किस्में हैं। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का ब्राजील करता है। कौन करता है भाई? ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और ब्राजील में जो कहवा के बागान है, बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा। बागानों को क्या बोलते हैं? कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के अंदर साओ पालो, क्या नाम है? साओ पोलो। साओ पालो क्या है? कहवा मंडी, विश्व की कहवा मंडी किसको कहा जाता है भाई? विश्व की कहवा मंडी कहते हैं साओ पालो को, विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है। ब्राजील के अंदर कौन सी बंदरगाह फेमस है? बंदरगाह का नाम याद रखेगा सेंटोस, क्या नाम है? सेंटोस बंदरगाह फेमस है, सेंटोस बंदरगाह सबसे फेमस है। भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? भारत का पहला जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये दार्जिलिंग, कौन सी कॉफी थी? दार्जिलिंग की कॉफी को भारत में सबसे पहले, दार्जिलिंग की कॉफी को हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की कॉफी को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं विश्व में अलग अलग प्रकार के फसलों की। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? फसलों का नाम लिख रहे हैं। फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन सा राज्य टॉप पे है? अग्रणी राज्य के अलावा कौन कौन सा विश्व में देश टॉप पर है? प्रोडक्शन में कौन कौन सी कंट्री टॉप पे, उसका नाम, फसलों के नाम यहाँ पे लिखते जाते हैं। जैसे कॉफी, कॉफी के अलावा आप चाय, तंबाकू, गेहूं चावल गन्ना भाई, इस तरीके से एक एक करके हमने सारी फसलें कर लेनी है भाई। कॉफी, चाय, तंबाकू, गेहूं, चावल, गन्ना, रबड़, ठीक है, जूट, इन सब का नाम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। कॉफी के अंदर सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक भारत का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है। चाय में भारत का असम राज्य सबसे ऊपर है भाई, असम अग्रणी राज्य है। तंबाकू के अंदर आंध्र प्रदेश, तंबाकू में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चावल कहाँ पे होता है भाई? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। गन्ने का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में होता है। रबड़ कहाँ पे होती है भारत में? सबसे ज्यादा केरल के अंदर होती है। जूट का कहाँ पे होता है भाई? जूट का भी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड की बात करेंगे, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ब्राजील के अंदर। कहाँ पे होती है? ब्राजील के अंदर। चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? चाय आपकी चाइना के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? चाइना के अंदर। तंबाकू भी कहाँ पे होता है? तंबाकू भी चाइना के अंदर होता है भाई। गेहूं का प्रोडक्शन भी पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड प्लेस पे इंडिया है। चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है भाई? चाइना है। गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील आपका प्रथम स्थान पे है। रबड़ के उत्पादन में, रबड़ के उत्पादन में सबसे बड़ा फेरबदल क्या है भाई? थाईलैंड। कौन सा भाई? थाईलैंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। जूट में कौन करता है भाई? जूट में सबसे ज्यादा अग्रणी प्रदेश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इस तरीके से आपने इन सबके नाम याद रख लेने हैं।